तो ऐसी कौन सी चीज लगता है आपको वीरेंद्र सर को छोड़ देनी चाहिए, उनकी बहुत ये अच्छी आदत नहीं है, उनको इम्प्रूव करनी चाहिए? कौन बोलना चाहेगा? सर मुझे लगता है सर सर को महिला मित्र वाले जोक छोड़ देने से महिला मित्र सर वो सर क्योंकि अब सर मार नहीं सकते सर होगा वही सर अब थोड़ा डर के रहना पड़ता होगा ना सर। जब नाम पकड़ेंगे तब चलिए संग से स्टार्ट करते हैं, आप क्या बोलना चाहिए? सर मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है सर से, सर जो भी बोलते हैं बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है, ठीक है। ऐसा भी हुआ है कि जब मैं गेट का एग्जाम देती थी, सर जो पढ़ा रहे थे एक बार इतना डिटेल में, वही जब मैं आंसर देती सेम क्वेश्चन देके मैं सर का लेक्चर को वापस से रिवाइज कर लिया था, रिकॉल कर लिया था, सुना हुआ उसी बेसिस में आंसर दिया था मैंने। तो मुझे सर का बोला हुआ हर एक चीज़ बहुत वैल्यूएबल लगता है। मुझे कुछ पूछना था, आप में से सबने कभी ना कभी सर की पहली क्लास तो की होगी, है ना? पहली क्लास, तो पहली क्लास में सर के लेक्चर का कैसा एक्सपीरियंस रहा, कि कैसा लगा? मतलब होता है ना कि फर्स्ट क्लास में आप कुछ और अपने दिमाग में बना रहे हो सिनेरियो, बट बाद में जब आप 4-5 क्लासेस और कर रहे हो तो आपको लग रहा है नहीं ये चीज़ डिफरेंट है। तो किस कोई अपना एक्सपीरियंस? मैंने सबसे पहले सर की क्लास यूट्यूब पे देखी थी और वहाँ पे भी मैंने देखा कि सर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो मुझे लगा कि ये टीचर हैं कि मैं इनको चूज़ करूँगी, मैं इनसे ही पढ़ाई करूँगी, तो ये लगा था मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस। क्या ऐसा बोला था कि लगा था कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है? सर बोलते हैं ना कि आपको अपना पाथ खुद चूज़ करना है, आपको अपने पढ़ने के तरीके खुद चूज़ करने हैं, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। बेसिकली सर ये वाली जो बातें होते हैं ना, ये मेरे को एकदम से क्लिक कर गई, तो मैंने सोचा कि हाँ मैं इन्हीं टीचर से पढ़ूंगी। सर का जब मैं फर्स्ट टाइम देखा लेक्चर, तो देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि मतलब सर जैसे बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं, सर भी वैसे ही हैं, जैसे मतलब जो बार बार सर बताते हैं कि आपका क्या बैकग्राउंड है, कैसा फैमिली कंडीशन है, वो मैटर नहीं करता है। अगर अभी आपको मिल रहा है इन्वायरमेंट या माहौल तो फिर उसको यूज़ कीजिए और आप आगे जा सकते हो। तो वो वाली चीज़ फिर सर को देख करके एक अंदर से आता है कि अगर सर इतना मेहनत कर सकते हैं तो फिर हम लोग भी कर सकते हैं, तो जो मेहनत करने का अंदर से जो आता है तो वो चीज़। मैं ये कहना चाहूँगा, जब मैंने सर की पहली क्लास की थी वो बायोकेमिस्ट्री की थी, तो मैंने देखा कि अक्सर जो एजुकेटर्स होते हैं वो सेशंस के बीच में थोड़ा सा हंसी मजाक कर देते हैं या इधर उधर जाते हैं। सर की मैंने क्लास देखी थी, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पूरा कंटेंट था, बीच में कोई ब्रेक नहीं था, और वो 1 घंटे की क्लास थी, और मुझे लगा कि पहली बार मैंने किसी मतलब एजुकेटर को देखा है वो पूरा कॉन्साइज केवल पढ़ाने पे ही फोकस्ड है, और मतलब कोई मतलब उतना मजाक वजाक नहीं, और मुझे लगा कि हाँ सर का नेचर मेरा नेचर थोड़ा मैच करता है इसलिए। और जैसे अभी इन्होंने बोला, सबसे मेन चीज़ सर के लेक्चर्स में होती थी कि सर के मतलब एक बहुत अच्छी बात थी कि जितने भी टॉपिक्स होते थे ना वो कनेक्टेड मैनर में होते थे, और यूनिट वाइज भी सर बहुत अच्छा कनेक्ट करते थे, तो ऐसा लगता था कि हम एक वेब सीरीज़ का पार्ट देख रहे हैं, या ऐसा लगता था कि कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं, तो एक इंटरेस्ट बिल्डअप होता था एक लेक्चर के बाद एक, और लेक्चर्स ना मैम इतने कनेक्टेड होते थे कि मतलब जब एक टॉपिक ख़त्म होता था ना तो एकदम से ऐसा लगता था कि अरे इतनी नॉलेज गेन कर ली एकदम से। कई बार ऐसा होता था कि सर कुछ एक पार्ट को नहीं बताते थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि वो हमारे ही बेनिफिट के लिए नहीं बताते थे, बट आफ्टर वॉचिंग हिज लेक्चर्स ऐसा लगता था कि भाई अब सब सॉर्ट हो गया, अब मतलब कॉन्सेप्ट से एकदम क्लियर हैं, तो अच्छा लगता था सर। एक क्वेश्चन, अभी जैसे इन्होंने बोला कि जो क्लास है क्लास के बीच में हंसी मजाक जैसे सर कम करते, तो आप लोगों को क्या लगता है, सबको लगता है कि हंसी मजाक नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, या किस एक्सटेंट तक होना चाहिए? ठीक है, मूड हल्का करने के लिए थोड़ा बहुत चलता है। मैम हंसी मजाक का एक टाइम होता है, जैसे क्लास काफ़ी लंबी चली या बहुत ऐसा टॉपिक है जो बहुत मेंटली लोड ले रहा है, उस वक्त पे आप ब्रेक लें तो सबका थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, बट ऐसे फ्रीक्वेंटली करना जिससे कि मतलब वो चीज़ नहीं अच्छी लगती है। सर ये प्लीज कंटिन्यू वाला है सर, मिल गया।
सर जब कमेंट करते थे ना आप कुछ बोल रहे थे तो कि प्लीज कंटिन्यू नहीं तो पर उन्होंने बोला ना कि तब एक घंटे का क्लास होता था, अभी तीन घंटे का क्लास हो गया तो फिर जरूरी होता है एक घंटा वाले। हाँ वो मैं कह रहा हूँ कि वो ठीक है उसमें चलता है, लेकिन ऐसे कुछ एजुकेटर्स होते हैं जो मतलब हर 10 मिनट पे हर टॉपिक से इधर उधर हो जाते हैं। एक और मैं यहाँ पे सारे तो वीरेंद्र सर से पढ़े हुए हैं ना, एक चीज़ और कि कौन कितने दिनों से सर को जानता है, कितने पहले से इंटरेक्ट हो रखा है, मतलब सबसे मैं देखना चाहूँगी सबसे पुराना कौन। मैं 2019 से हम जब मास्टर में थे तो मेरा आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री था, और बायोकेमिस्ट्री मतलब उस टाइम पे नहीं समझ में आता था या फिर वैसा कोई पढ़ाने वाला था नहीं, तो रैंडम वैसे यूट्यूब पे सर्च किया और फिर वहाँ से देखना स्टार्ट किया और फिर जो आदत लगी तो अभी तक तो लगा ही है और होपफुली ये चलेगा आगे भी। ठीक थे सारे ठीक थे, लेकिन बात तो है किसके साथ हमारा फ्रीक्वेंसी मैच करता है, तो वो जब सर मतलब आप बोलते हो ना सर लेक्चर्स में अपने कि आप बायोकेमिस्ट्री के किंग हो, सर आप बायोकेमिस्ट्री के किंग हो बट लोग बोलते बच्चों। हाँ सर बट आपने सर हमें फिर प्रिंस बना दिया सर बायोकेमिस्ट्री का, मतलब अगर आप किंग हो तो सर तो सर विराट कोहली शुभमन गिल जैसा है ना वैसा ही सर एक कनेक्शन हो गया, मतलब बायोकेमिस्ट्री तो सर अब ऐसी हो गई कि अब मजा आता है पढ़ने बहुत ज्यादा और बहुत ईजी लगती है सर। सिर्फ मैं ही नहीं सुनती सर की क्लास, मेरी मम्मी बहन भी, बहन छोटी है सेवन क्लास सेवन में पढ़ती है वो भी सुनते हैं, उस सर का क्लास नहीं होगा एक्चुअली मैं बंगाली हूँ तो वो कहती है वही इसने ही कभी ग्रुप में मैसेज किया था क्या कि मेरे साथ मेरी बहन भी पढ़ती है। हाँ 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 मुझे याद है मेरे बहन भी पढ़ते वही सारे क्लास होवे ना जस्ट एटा रखूँ मार की ऐसे ही कहती है सर सर का क्लास नहीं होगा, सर बहुत डांटते हैं पर अच्छा पढ़ाता है सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मम्मी को भी एडिक्शन हो गई है आपकी क्लास की, मम्मी सर का क्लास हो रहा है सर का क्लास हो रहा है ऐसे तो सब मेरा मम्मी को बता देना सर का शादी हो गया है। मेरा केस बहुत ही डिफरेंट है, मैंने जुलाई में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था फर्स्ट थे और सर ने अगस्त को अनअकैडमी छोड़ दिया, एक मंथ में, मतलब मुझे लगा कि मेरा तो पैसा ही बर्बाद हो गया पूरा का पूरा। हाँ ठीक है, उसके बाद फिर मैं सर का वेट कर रही थी कि सर ने बोला कुछ तो आएगा, मैं सोच रही सर पढ़ाएंगे, जब वेदमी का सब्सक्रिप्शन जैसे आया मैंने फटाफट वेदमी का सब्सक्रिप्शन पहले गेट का लिया, उसके बाद फिर CSIR के लिया था, अब मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ। तो अभी आपके पास अनअकैडमी का भी सब्सक्रिप्शन? हाँ वो एक पढ़ा ही हुआ है लेकिन वो मैं कभी देखती नहीं एक साल का सब्सक्रिप्शन लिया था वो वैसे ही पढ़ा हुआ है बस। सर ग्रुप पे लोग मैसेज करते हैं कोई अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है हाफ प्राइस में, सर वेडमी के ग्रुप में बेच रहे होते हैं रात के 1:30 बजे तक करता है वो, किसी को सब्सक्रिप्शन चाहिए तो सर से रिलेटेड कोई सबसे फनी या मेमोरेबल आपका कोई भी इवेंट हो या कोई भी बात हो जो आपको लगी हो स्ट्राइक की हो कि हाँ ये चीज़ जो है वो मैं लाइफ टाइम रिमेम्बर रख सकता हूँ, या ये कोई इवेंट या क्लास से रिलेटेड भी कुछ भी कोई बात जैसा कि बताइए मिर्जापुर से और अभी इसका बैग उधर रखा हुआ उसमें कट्टा होता सर नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मुन्ना भाई भैया का है भतीजा है ये सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट ने आपको उल्टा बैग फायर करके धमकी दिया हो कि ऐसे कि अच्छे से पढ़ाओ ऐसे करके सर मतलब ये हमें हमारा पैसा वापस चाहिए सर पैसा वापस का तो बहुत मतलब इस बैच को तो ज्यादा ही हुआ अनअकैडमी को तो मेरे से कहते थे भाई तुम देखो अपना और शायद नौका पे राइड भी करवाई थी वो मीट था। हाँ मीट था तो वो मेरे फ्रेंड ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया तो मुझे बड़ा अजीब लगा था कि ये कौन टीचर है जो बच्चों को मतलब घुमाने लेके जा रहे हैं और
वो कर रहे हैं, तो वो था। उसके बाद मैंने मतलब वो मेरा पहरा था कि मैंने सर का नाम सुना था और देखा था, फिर उसके बाद से मैं भूल गया। फिर उस मेरे फ्रेंड ने अपियरिंग में ही CSIR निकाला और ऑल इंडिया रैंक उसका 96 या 97, और फिर मैंने पूछा कि मतलब तुमने किससे पढ़ा, तो उसने फिर आपका नाम लिया, फिर मुझे याद आया ओ आप ही ने आपका नाम लिया, ज्योति मैम का नाम लिया, और फिर उसी ने फिर मुझे बताया कि सब्सक्रिप्शन लो, तैयारी करो, और फिर उसके थ्रू फिर मैंने आपको जाना। इसलिए सर सब बच्चे अट्रैक्ट होते होंगे, पढ़ाते भी अच्छा है और घुमाते भी बढ़िया है, खिलाते भी है सर। लास्ट मीटअप आप में से किसी ने अटेंड किया था? ऑफलाइन शादी का रिसेप्शन वाले में 17 को 12 का एग्जाम था, तो मैं 16 को आया था, एक दिन सरकार करो अगर आगे तो उतर शायद। अच्छा, कुछ बच्चे आए थे, काफी बच्चे? हाँ, काफी आए थे। बनारस में 16 को आया था, सरकार 15 को था, कोई बात नहीं, मीटर अभी रखेंगे, तो जो लोग लोकल है वो आ जाए। हाँ, जैसे दो मिर्जापुर वाले हैं वो आ सकते हैं। तो बस आप लोग आए थे तो मैंने कहा चलो मिल लेते हैं, एक मैं मीटर रखूंगा, फिर से वही फिर घुमाने वाली बात। सर गर्मी में रखना, सर्दी में रखना? सर आप में से ज्योति मैम से भी लोगों ने पढ़ा होगा, ज्योति मैम के बारे में कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताना चाहोगे? ज्योति मैम तो मैम फीमेल मजनू भाई हैं, हम सबको पता ही है, फीमेल मजनू भाई। तो मुझे तो मतलब मैं ऐसे मैं मिला नहीं हूँ मैम से कभी, बट मैं मिलूंगा ना तो मैं उनको वही मजनू भाई की पेंटिंग है ना, वो घोड़े के ऊपर घोड़ा बनाता है, वो टी शर्ट पे प्रिंट करवा के देना चाहता हूँ मैम को। आपको मजनू भाई क्यों लगते हैं ज्योति मैम, क्यों लगती है, मतलब एक रीजन होता होगा ना? मैम के जो डायग्राम्स होते हैं ना, मतलब एक्सप्लेनेशन वो मजनू भाई वाले होते हैं, A1 मतलब एक्सप्लेनेशन ऑन टॉप नॉच होती है और समझाने का तरीका टॉप नॉच होता है, बट जो मैम के एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, ओ मतलब डायग्राम होते हैं, वो भी टॉप नॉच होते हैं, बट वो मजनू भाई वाले लेवल के होते हैं इसलिए। और कोई? मैं मैम को ये कन्वे करूंगी कि किसी ने उनको मजनू भाई बोला है, मैम को पता है ये बात तो। अच्छा, पहले बोल चुके हैं। हम बहुत लोगों से डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़े, लेकिन ज्योति मैम से पढ़े तो हमको बहुत कॉन्फिडेंस आया, मतलब कॉन्फिडेंट, जितना अच्छा पढ़ाती हैं वो एक्सप्लेन करने का उनका जो तरीका बहुत अच्छा लगा हमको, उन्हीं से लगभग हम सब पढ़े भी हैं डेवलपमेंटल। फर्स्ट टाइम मैंने सर की क्लास ली थी, फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे, तो मैं हूँ भी नहीं कि वीडियो देख देख के सीख जाती हूँ, मैं बुक वाला कीड़ा हूँ एकदम, बुक्स पढ़ के ही मेरे को समझ में आता है। सर और मैम दोनों की वीडियो देखी थी मैंने, लोट का वोल्ट्रा मॉडल की, तो पहले मैंने सर की वीडियो देखी थी, तो मुझे जो उसमें था ना वो पोर्शन मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वाला एकदम फर्स्ट टाइम में ही समझ में आ गया था। फिर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया तो मैंने ज्योति मैम से वही समझा, तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि सर और मैम ना उन्होंने मेरा बिलीव सिस्टम बना दिया कि हाँ यूट्यूब से या फिर वीडियोस से भी कोई बच्चा पढ़ सकता है, तो मेरा यही है। क्या मैम, क्या बोलूँ, उसके दिमाग को कोई चुगली आई अभी वक्त, थोड़ा अपने आप को सप्रेस कर रहा है, मेरे को लग रहा है, देख के लग रहा है कि वो सप्रेस करके रखा हुआ, क्योंकि वो हर बात पे खिलखिला के मुस्कुरा तो दे रहा है। ये देखो ये कितना खुला सीधे ज्योति मैम को मजनू भाई बोल दिया। सर आप बताइए सर, शादी के बाद क्या क्वेश्चन अच्छा है सर, बताइए करनी चाहिए नहीं सर, हम भी उसी फेस पे आने वाले हैं। घर वालों ने लड़की देखनी शुरू कर दी है। नहीं नहीं, वो तो हम खुद देख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं रील के अंदर, एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी वाला होता है। तो उस फ्रेम में आओ तब जवाब आएगा ना, माइक मेरे पास आनी चाहिए ना। तो हां हां, अब बताओ, इशारे चलो थोड़ा साइड में, चलो ठीक है, चलो ना यार उधर चलो यार, चलो हां बताओ।
हाँ, एक्सपेक्टेशन रियलिटी वाला केस असल में होता है। एक्सपेक्टेशन रियलिटी हाँ होता है, बिल्कुल होता है इसको। वो देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो भगवान जो है ना, जैसे आप कभी भी देखोगे तो सारा का सारा सिस्टम हमारे मैथोलॉजी में वो है कि अगर आपको पावर चाहिए तो दुर्गा जी के पास चाहिए, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास चाहिए, अगर आपको विद्या चाहिए तो सरस्वती जी के पास जाइए, भूत प्रेत से बचना है तो काली जी के पास जाइए। आदमियों के पास ले देखे कुछ बचा नहीं है, एक को समंदर के बीच में बैठा दिया है बेचारे विष्णु जी को, और एक बेचारे बूढ़े हो चुके हैं हमारे ब्रह्मा जी, ले देखे बचे महेश, अब बचे थे महेश तो उनके ऊपर से गंगा निकाल दी, और थोड़ी बहुत कसर जो बची थी गले में सांप और लटका दिया। तो आदमियों के पास वहीं से कुछ नहीं है, तो अभी भी जो है माइथोलॉजी और रियलिटी वैसे ही चलती है। और किसी को कोई क्वेरी है तो बताओ। अच्छा, अजय सर से किसी ने पढ़ा है? तो क्या मतलब वो कितने उदास क्यों रहते हैं पता है आपको? उदास तो नहीं पता सर, लेकिन थोड़ा सा मतलब फ्रस्ट्रेटेड टाइप रहते हैं। लेकिन पढ़ाते बहुत अच्छा है, एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करते हैं। और वो है कि मतलब एवरेज से भी नीचे स्टूडेंट को भी प्रायोरिटी देते हैं कि हाँ तुम ये पूरा बेसिक से समझो। लेकिन जब भी पढ़ाने जाते हैं सर वो उदास इसलिए रहते होंगे, क्या पता कि उनकी महिला मित्र उन्हें समझ रहे हैं। हर चीज के पीछे उदासी महिला मित्र नहीं होती, हर चीज के पीछे जो है महिला मित्र रीजन नहीं होता, लेकिन हाँ ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम जरूर होता है सर, होता है। ठीक है, वो कुछ बोल सर तो बहुत अच्छा पढ़ाता है, एकदम बेसिक से चीज़ें शुरू करते हैं अजय सर। तो बच्चे तो इतने कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, बोलते हम बैंक टीओ के एग्जाम देने के लिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं एप्टीट्यूड पढ़ने के बाद। अच्छा ही लगता है सर का। अरे भाई को माइक दो, माइक दो, माइक दो, माइक दो। हाँ, क्या शांत, क्या शांत 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 कहाँ हैं आप? शांत कहाँ हैं सर, बोल तो रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं आप? बोल रहे हैं। कब से शांत बैठे हो, कुछ तो बोलिए आप अपने हिसाब से। हाँ, नहीं सर जी हम नहीं पूछेंगे, आप ही नहीं पूछेंगे, मजा नहीं लेंगे हमारा। नहीं नहीं, वो तो देखो थोड़ा सा इनबिल्ट है मेरे अंदर सार्केज्म ना, पैदा हुआ था तब सार्केज्म लेके पैदा हुआ था सर, तो थोड़ा बहुत ही, अब तो बहुत कम हो गया है ना, शादी के बाद वैसे ही कम हो जाता है। तो सर शादी के बाद बारे में ही पूछना है। हाँ हाँ पूछो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, पूछो पूछो, उसके बाद बाहर मिलते हैं, पूछो। ठीक है सर, मिलने के तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपका अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? दोनों है, दोनों है। हाँ मतलब दोनों किया गया, अरेंज किया गया है, और बाकी आप समझ सकते हो। सर मुझे पूछना था कि चलती किसकी है सर? नहीं देखो को डोमिनेंस है, कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है, को डोमिनेंस है। और बाकी ये तो अभी मैंने बताया था जग जाहिर है ना, कि ये ना जो होते हैं ना कहने के लिए होते हैं। हाँ, होता को डोमिनेंस, बिना को डोमिनेंस के चलेगा। बाकी आदमी दिखाता है, अक्सर आपको आदमी दिखाएगा कि कंप्लीट डोमिनेंस है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, और उसके पीछे रीजन है कि जब तक किसी रिश्ते में नोकझोंक नहीं होती ना, ये मजाक नहीं होता कि अरे यार जिस रिश्ते में आप देखोगे जो पति ज्यादातर बीवी और हस्बैंड के जोक मारेगा, मतलब वो कि प्रताड़ित है ना, अक्सर उनका पर्सनल रिश्ता काफी अच्छा होता है। जो फ्रस्ट्रेटेड होगा, सच में फ्रस्ट्रेटेड होगा, वो कभी जोक क्रैक ही नहीं कर सकता, क्योंकि उस चीज से वो फ्रस्ट्रेटेड है, उस चीज को मजा नहीं ले रहा है। और कई लोग क्या इसी चीज को क्या करते हैं कि जो है वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। और अक्सर ऐसे कामों में जब भी हैप्पी मैरिड लाइफ वाली कहानी होती, तब आप बड़े मुद्दों को संभालो ना, छोटे मुद्दों को क्यों संभालना है। मतलब कहने का ये है कि बड़े बड़े मुद्दे, मतलब देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, रोटी मैं बना लेता हूं। नहीं ये नहीं, ये सब तो छोटे मुद्दे हो गए। घर में जो है कौन सी सब्जी आएगी, कहाँ पे क्या खरीदना है, क्या बेचना है, टीवी कौन सी आनी, मोबाइल कौन सा आना, ये सब छोटे मुद्दे होते हैं। बड़े मुद्दे होते हैं देश के बारे में बात करो, ये विदेश में कौन गया था, प्रधानमंत्री के बारे में, ये सब बड़े मुद्दे। आप देश के बाहर के या देश के मुद्दे संभालिए, घर में वो संभाल ले तो आपका सारे चीज चलेगा। आप घर में घुसोगे तो फिर तो कलेश होना ही होना है। नहीं मैं तो हमेशा जो है अभी भी अपने आप से पूछता हूँ कि जो है जनरली वो मिरर में देख के बता, तेरी तूने ही ने डिसीजन लिया था शादी का। बाकी सर उन्होंने सीरियस नोट, एक सीरियस क्वेश्चन पूछना था। कई बार जैसे प्रिपरेशन के टाइम पे
अभी सी एस आई आर का कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा दूसरों को देख के लगता है, जैसे यूपीएससी का भी रिजल्ट आया तो ऐसा मतलब ऑल इंडिया रैंक वन ये वो दिखाते हैं और ये बताते हैं कि ये बहुत ही मतलब पुअर फैमिली से था, ये स्ट्रगल था, तो सब तब सर माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि हमें भी ये करना चाहिए और किसी और किसी और एग्जाम के लिए ऐसा मतलब हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि इस एग्जाम को छोड़ के वो करें, तो सर इसका क्या सॉल्यूशन है कि एक जगह पे ही फोकस रखे, एक ही एग्जाम को क्रैक करने का वो करें? देखो इसका मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक शो करना चाहूँगा कि एक छोटी सी बच्ची थी ना, वो महादेव को बहुत मानती थी, और ये आपको कहीं पे अप्लाई कर सकते हो, कहीं पे भी, मतलब लाइफ में किसी पर्सन से रिलेटेड हो, किसी करियर से रिलेटेड हो, किसी सब्जेक्ट, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। तो वो छोटी सी बच्ची महादेव को बहुत पूजा करती थी, तो महादेव तो ऐसे मानने वाले हैं नहीं, उनको उनको मनाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तो अल्टीमेटली महादेव जी मान जाते हैं। उस लड़की की ख्वाहिश थी, जब महादेव जी प्रकट होते हैं कि बता बालिका क्या चाहिए तुझे, तो वो कहते हैं कि देखो, वो लड़की जो छोटी सी बच्ची होती, क्या बच्ची उतना उसे समझ नहीं थी, तो बोलती कि मुझे भगवान दुनिया का सबसे सुंदर फूल चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें दुनिया के सबसे सुंदर बगीचे में भेज रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मतलब सारे सुंदर फूल वहीं पे है, तू जा अपने मनपसंद का जो तुझे सबसे बेस्ट लगे तू तोड़ लियो। तो बच्ची बगीचे में जाती है, जाती है, उसे थोड़ी दूर पे जो है एक फूल पसंद आता है, और जैसे वो फूल पसंद आता है उसे लगता है कि यार अभी तो मैंने बगीचे में इंटर किया है, अभी और मैं घूमूं शायद इससे भी सुंदर फूल नजर आए, तो वो आगे और बढ़ती है, तो थोड़ी दूर आगे जाके उसे एक पहले से भी ज़्यादा सुंदर फूल नजर आता है, तो फिर वो उसको तोड़ने का सोचती है कि वो मैं तोड़ लूँ, फिर उसे मन में आता है कि हो सकता है कि इसके आगे भी जो है और सुंदर फूल हो, तो फिर उसके आगे और वो जाती है और वो पूरे बगीचे में जो है घूम आती है, लेकिन जो दूसरा फूल उसे जितना सुंदर था उसे कोई और फूल नजर नहीं आता, लेकिन जब वो लौट के वापस आती कि चलो दूसरा फूल तोड़ लेती हूँ, तब तक वो फूल कोई और तोड़ ले जा चुका होता है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें हमेशा ही आगे जो है बेहतर मिलेगा, और बेहतर के चक्कर में हम बेहतरीन खो देते हैं। तो समटाइम्स ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक इससे बेहतर और फूल है, उससे बेहतर और फूल है, इस चक्कर में जो फूल हमारे लिए सबसे बेहतरीन था वो भी हम खो देते हैं, तो ये चीज़ हमें नहीं सोचनी चाहिए। चाहे किसी पर्सन के लिए होता है, कई बार हमें लगता है यार इससे बेहतर पर्सन मिलेगा, इससे बेहतर पर्सन मिलेगा, या करियर के लिए कि इससे बेहतर ये करियर है, तो जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए बेहतर करियर आपको हमेशा एंड पे मिले, वो आपको पहले भी मिल सकता है, आपको रिकॉग्नाइज करना होगा। और अल्टीमेटली जो सच्चा करियर और सच्चा प्यार जब मिलता है तो आपको अनुभूति हो जाएगी कि इसी के लिए मैं बना हूँ। ठीक है सर, वही बोलते हैं इंग्लिश में, इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट डायमंड। डायमंड एग्जैक्टली। पहले रिकॉग्नाइज करना होगा ना सर, वो कैसे करें? क्या रिकॉग्नाइज? रिकॉग्नाइज नहीं, देखो जब तक आपको आप कभी ढूंढ नहीं पाओगे ऐसे कि ये लिखा होगा कि ये सच्चा प्यार है या सच्चा करियर है, आप ट्राई करते रहो, ट्राई फॉर द, जब आपके पास आप मेंटली क्लियर नहीं हो ना कि अपने फील्ड को लेके, कुछ लोग क्लियर होते बचपन से कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे IAS ही बनना है, कुछ लोग नहीं क्लियर होते कि हमें जो है वो कैसे करना होता। कैमरे के पीछे से है ना, अभी रुक जाओ 2 मिनट, इस जब दो मिनट बस, इसके बाद ऑफ कर देना उसको। अरे नहीं नहीं अच्छा नहीं लगेगा। सर एक क्वेश्चन था, जैसे हम लोग इंटरव्यू देने के बाद जब सिलेक्शन नहीं होता तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करें हम लोग? सिलेक्शन नहीं होता तो फिर ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं। नहीं ठीक है, इसका भी जवाब दे देता हूँ मैं। पहले मैं आपका जवाब दे देता हूँ कि जो कि हम जब बेसिक तौर पर कि सच्चा कैसे पता चलेगा, तो सच्चा हमें पहले नहीं पता चलता, मतलब हम जो है ये चूज़ नहीं कर पाते कि जो है क्या सच्चा है क्या गलत है, ये आप ट्राई करते रहो, जब तक आप मेंटली क्लियर नहीं होते, जब आप ट्राई करते हो कि नहीं मुझे ये ट्राई करना है ये ट्राई करना है, तो ऑब्वियसली बात है, जैसे सीधी सी बात है, लॉक इन की हाइपोथेसिस होती है। एक एंजाइम का एक्टिव जो है साइट है, कई सारे सब्सट्रेट बाइंड करने की कोशिश तो करते हैं, बाइंडिंग अफिनिटी कम होगी जो उससे कॉम्पेटिबल नहीं होंगे, जिस दिन कॉम्पेटिबल सब्सट्रेट मिलेगा ऑटोमेटिकली एंजाइम को भी पता चल जाता है और सब्सट्रेट को भी पता चल जाता है। वैसे आपके साथ है, आप सारे सब्सट्रेट से बाइंड करते रहो जो आपके पास आ रहे हैं, जो सब्सट्रेट आपके साथ बाइंड करेगा और वो आपको अंदर से कन्फर्मेशनली मतलब मेंटली फील होने लगेगा कि दिस इज फॉर मी, तो आप उसी दिन जो है स्टेबल हो जाओगे, उसी दिन लगेगा कि हाँ अब मुझे यहाँ पे स्टेबल हो जाना है। तो वो ट्राई करते रहो तब तक जब तक को आपको स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। कई बार कुछ लोग इतने बेचैन होते हैं कि उनको पूरी जिंदगी स्टेबिलिटी नहीं आती, मतलब कुछ लोगों का मेंटल लेवल ऐसा होता है कि वो पूरी जिंदगी जो है वो तैयार मतलब किसी से भी बाइंड करते रहे लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो ऐसे लोगों के लिए फिर वो थोड़ा सा उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो ये स्विच करके वो फलाना ढिकाना सब कुछ स्विच करेंगे लेकिन सुकून नहीं मिलता। इसलिए मैंने फिर वही फूल वाली बात करी कि आपको ये चूज करना होगा कि आप बेहतरीन की तलाश में। सर यही है कि इंटरव्यू देने के बाद सर जैसे सिलेक्शन नहीं होता था डिमोटिवेट हो जाते हैं और होपलेस हो जाते हैं, हाँ हाँ, तो उसके लिए
अब देखो सिलेक्शन डीमोटिवेशन इसके फिर से वही एग्जांपल के थ्रू आप इसको देख सकते हो ना कि एक छोटी सी चीज़ है जिसको अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल कि आप जो है वो आपकी शादी तो हुई नहीं है, शादी करने जाओगे किसी से भी शादी कर लोगे कि जो पसंद आएगा उसी से शादी, जो पसंद आएगा उसी से करेंगे, जो पसंद आएगा उसी से शादी करोगे, अब बाकी जो नहीं पसंद आया उसको क्या करोगे, साइड कर, रिजेक्ट कर दोगे। तो अच्छा आपने जिसको रिजेक्ट किया है क्या वो है सर, बस एक समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक जो है वो क्रिकेट टीम के जो है मतलब जैसे जैसा है मान लीजिए जैसा की जगह आपको बीसीसीआई का हेड बना दिया गया, ठीक है, अब आप जो है बीसीसीआई का हेड बना दिया गया और आपके सामने जो है वो विराट कोहली भी आ रहा है जो है इंटरव्यू बेसिक तौर पे ऑडिशन देने की, उस एक वर्ल्ड कप की टीम की सिलेक्शन करने है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है और अरिजीत सिंह है, बताओ आप उसको दो लोगों को सिलेक्ट करना है किसको सिलेक्ट करोगे? सर रोहित शर्मा और विराट कोहली करेंगे। अरिजीत को करोगे? नहीं सर। क्यों नहीं करोगे? फील्ड नहीं है सर उसका, उसका फील्ड ही नहीं है। नहीं सर। तो क्या अरिजीत सिंह टैलेंटेड नहीं था? टैलेंटेड है सर, वो अपने फील्ड में है, अपने फील्ड में एग्जैक्टली। अब इस चीज को समझना कि अगर आप किसी कंपनी में किसी जॉब में किसी इंटरव्यू में फेल होते हो सकता है कि वो जो है किसी और फील्ड में एक्सपर्टाइज हो, और जैसे आप अगर इंटरव्यू से रिजेक्ट हो रहे हो तो क्या मतलब है, हो सकता है कि जो सामने वाला बैठा हो वो जो चीज देखना चाह रहा है वो आपके अंदर नहीं है, लेकिन आप क्या उसके लिए एकदम बेकार हो गए, आपके पास और कोई टैलेंट नहीं? हो सकता, हो सकता है जिस फील्ड के लिए आपने आप रिजेक्ट हुए हो सकता है कि वो फील्ड में आप कमजोर हो, लेकिन आपके पास किसी और फील्ड की एक्सपर्टाइज हो, आप किसी और टॉपिक में अच्छे हो सकता है कि इंटरव्यू में एंजाइम पूछा और एंजाइम आपको ना आता हो, लेकिन क्या जरूरी कि एंजाइम ना आता हो तो पूरी यूनिट आपको नहीं आती? ऐसा तो है नहीं। तो ये चीज आप समझने की कोशिश करना कि इंटरव्यू में जब कोई रिजेक्ट करता है ना वो सिर्फ एक बेसिस पे रिजेक्ट करता है कि उसे क्या चाहिए, और अगर आपको किसी इंटरव्यू को क्रैक करना है तो बेसिक तौर यही समझना है कि अगर आपको क्रिकेट के लिए चूज करना है तो क्रिकेट का स्किल चाहिए, आपको सिंगिंग का चूज करना है तो सिंगिंग का स्किल चाहिए, तो आपको जिस डिपार्टमेंट में जिस लैब में जिस टॉपिक के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप उस डिपार्टमेंट में उस रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में जान लो सारा कुछ। अगर फॉर एग्जांपल प्रोटीन इंजीनियरिंग के ऊपर आपको काम करना है, प्रोटीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड मतलब बायोकेमिस्ट्री में जो है एंजाइम प्रोटीन अमीनो एसिड से लेते हुए प्रोटीन इंजीनियरिंग से कैसे प्रोटीन को फोल्डिंग प्रोटीन डीफोल्डिंग प्रोटीन की कॉन्फर्मेशन स्ट्रक्चर वो सारी चीजें पढ़ गए, उसके बाद जो बेसिक इंजीनियरिंग में कॉन्सेप्ट आता है ब्लास्ट ये सब करके जो स्कैन वगैरह करना होता है जैसे कि उसमें ऑटोडॉक वगैरह ये सब पूरा चीज अगर आपने पढ़ लिया एक ड्राफ्ट सारी चीजें आप जान गए तो आपको कोई नहीं निकाल सकता। जब भी आपसे पूछेगा बताओ किस टॉपिक पे काम करना, आप बोलोगे प्रोटीन इंजीनियरिंग, शुरू करेगा वो अमीनो एसिड प्रोटीन से, लास्ट में ले आएगा आपके मेथोडोलॉजी तक, आपने सब पढ़ रखा है, सब जवाब दे दोगे, आप कभी रिजेक्ट ही नहीं हो सकते क्योंकि आप उसी चीज की तैयारी करके गए थे जिस चीज का सिलेक्शन होना था। अगर आप कहीं फेल हो रहे हो तो ये समझ जाओ कि आपके पास स्किल तो बहुत है लेकिन शायद जो सामने वाला ढूंढ रहा है वो मेरे पास नहीं है, इससे आपकी कमी में कोई वो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक।